मैं आंध्र प्रदेश कृष्णा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। रुद्रपुर उत्तराखंड जम्मू एंड कश्मीर। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट। मध्य प्रदेश। मैं दिल्ली। बिहार से। मुजफ्फरपुर। दिल्ली से। यूपी से। पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड। यूपी। गुजरात सूरत से। हिमाचल प्रदेश। पंजाब। गुजरात। मध्य प्रदेश। पुणे डिस्ट्रिक्ट। महाराष्ट्र। लखनऊ। यूपी। बिहार प्रदेश। महाराष्ट्र। केरल। असम। बक्सर डिस्ट्रिक्ट। वेस्ट बंगाल। कोलकाता। मुरैना। मध्य प्रदेश। झारखंड। जम्मू एंड कश्मीर। तेलंगाना। जम्मू कश्मीर। कानपुर। बिहार। अमृतसर। पंजाब। वेस्ट बंगाल। बनारस। यूपी। विशाखापट्टनम। यूपी। आगरा। महाराष्ट्र। जम्मू कश्मीर। दिल्ली। जम्मू कश्मीर। इतनी बार डिप्रेस हो गई पर हर बार पता नहीं कैसे उसी दिन बॉस एक फंक्शन रख देंगे और उस फंक्शन में जो मोटिवेट करते ना वो सीरियसली मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। मेरे को ऐसा लगता है अब तो डॉक्टर बन के ही निकलना है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी सीकर से। सीकर शिक्षा नगरी ऐसे नहीं बना है, पिछले कई सालों से एक तपस्या यहाँ चल रही है। इसी की देन है कि आज हिंदुस्तान के लगभग सभी स्टेट्स के बच्चे सीएलसी में आके अपना भविष्य बना रहे हैं। तो आज यूं ही रात को बैठे हुए थे, नाइट कैंप चल रहा था। आप जानते हो 7 मई 2023 को नीट और 4 जून 2023 को जेईई का एग्जाम है। इस समय हमारे कैंप चलते सुबह 7 से 1, शाम दोपहर में 2 से 7 और रात को 8 से 12। मैं यहीं रहता हूँ, यहीं लंच होता है, यहीं डिनर होता है, पूरी टीम यहीं रहती है। अभी साथी गए हैं, कोई पीवाईक्यू का सॉल्यूशन करवा रहा है, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन करवा रहा है, कोई डाउट काउंटर पे है, कोई क्लासेस ले रहे हैं, सभी साथी अपने काम लगे हुए हैं। तो ऐसे बैठे बैठे इच्छा हुई कि मोर नाचा जंगल में किसने देखा। कई बार बताना पड़ता है, महाभारत में कहते हैं कि जब अज्ञातवास के समय पांडव बहुत परेशान हो गए थे तो एक युधिष्ठिर ने बहुत प्यारी बात कही थी कि अधिकार मांगने से ना मिले पाप संताप हो जाए तो बोलो धर्मराज जी हैं मर जाएं। आजकल इस मार्केटिंग के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में कुछ लोग कांच के टुकड़ों हीरा बना के बेचने का असफल और सफल मिक्स प्रयास दोनों ही कर लेते हैं। तो ऐसे दौर में जरूरी है बताना कि रियल हीरा कहाँ है, रियल शिक्षा कहाँ है, सुरक्षा कहाँ है, संस्कार कहाँ है। दोस्तों क्यों ना आओ चले आज हम हमारे इस कैंप में। राजस्थान हरियाणा के बच्चों से मुलाकात नहीं करवा रहे, राजस्थान हरियाणा तो बल्क में हो ही गया। राजस्थान और हरियाणा स्टेट के अलावा ये बेटियां हैं, दूस पास के रूम बेटे बैठे हैं, सबसे मिलाया जाएगा। मेरा नाम राखी चौधरी है, मैं आंध्र प्रदेश कृष्णा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं टारगेट बैच में हूँ और मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरा नाम सेजल यादव है, मैं यूपी से हूँ, यूपी में जौनपुर से हूँ, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से। और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है, बॉस हर शाम को जो असेंबली करवाते हैं वहाँ पे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मेरा नाम खुशी है, मैं रुद्रपुर उत्तराखंड से हूँ, मैं फाउंडेशन बैच में एडमिशन लिया है। इनका एलसीएलसी का एटमोसफेयर बहुत अच्छा है और बहुत मोटिवेशन मिलता है शाम की असेंबली में। मेरा नाम फिजा अहमद है, मैं जम्मू एंड कश्मीर के गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो मैं यहाँ पे नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं टारगेट बैच से हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ आए, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है पढ़ाई के रिलेटेड और काफ़ी सेफ यहाँ पे फील होता है। आप जेएनके से आए तो आपकी तो पूरी दुनिया अलग थी, वहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर बहुत फर्क है। आप घर से कब आए थे? उसके कितनी बार घर गए आप? बस एक बार। आप सितंबर से आए हैं और आप ही अप्रैल चल रहा है, एक बार घर गए हैं तो पेरेंट्स की याद नहीं आई? तो आप सीएलसी ने उस कमी को पूरा किया, आपकी पेरेंट्स की कमी सीएलसी पूरा कर रही, तो आपको ज़्यादा याद सीएलसी, क्योंकि आपकी तो फ्रेंड भी नहीं होंगी कि जेएनके से अभी ये बच्चा आना स्टार्ट हुए हैं। तो ये हमारी लाडली बेटी है, इस बार ये पहला मौका है कि जेएनके के बिल्कुल हमारे वो जिसको धरती का स्वर्ग कहते हैं वहाँ के बच्चे हमारे साथ हैं। मेरा नाम साक्षी है, मैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं टारगेट बैच में पढ़ती हूँ और यहाँ की असेंबली काफ़ी मोटिवेशनल होती है, बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम हर्षिता पारदार है, मैं मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, सबसे अच्छी यहाँ की फैकल्टी लगती है जो हर चीज़ में अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, कोई डाउट कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं रखते हैं। जैसे अदर्स कोचिंग का हमने सुना भी है पर मुझे सबसे अच्छा यही लगा है। मेरा नाम नैन्सी भारद्वाज है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं यहाँ पे नीट 2024 की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिंग है और आपके जो भी डाउट्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से सॉल्व करती है। थैंक यू। मेरा नाम यशिका है, मैं बिहार से मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मैं 12th फाउंडेशन में नीट में हूँ। मेरा यही कहना है कि
यहाँ की फैकल्टी सबसे अच्छी है और सबसे सपोर्टिव है, और सबसे बेस्ट थिंग है यहाँ की नाइट कैंप, क्योंकि नाइट कैंप सबसे बेस्ट है। और नाइट कैंप लेने का मतलब है कि आप कंटिन्यू आप 5 घंटे पढ़ के आप बहुत ही अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकते हो नाइट कैंप से। मेरा नाम मीनाक्षी धाकड़ है, मैं MP और डिस्ट्रिक्ट नीमच से हूँ। यहाँ की फैकल्टी, यहाँ का डाउट काउंटर, स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सब बेस्ट है। मैं सबको बोलना चाहूँगी यहाँ पे आए। मेरा नाम संजना शर्मा है, मैं दिल्ली से हूँ, मैं टारगेट नीट में हूँ। यहाँ पे मुझे ऑनलाइन के थ्रू CLC के बारे में पता चला, और फिर मैं यहाँ के हॉस्टल में हूँ, और यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है। मेरे डाउट सारे यहीं पे क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा में नाइट कैंप है और एक्स्ट्रा में PYQ भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मैं सभी से यही चाहती हूँ कि आप CLC आएँ। मेरा नाम आंचल चौधरी है, मैं UP से हूँ और अभी मैं 12th में हूँ, और मैं 9th से यहाँ पर स्टडी कर रही हूँ, और मुझे यहाँ पर हर चीज़ बहुत अच्छी लगी है। मेरा नाम रश्मि साक्य है, मैं UP से हूँ, डिस्ट्रिक्ट एटा से। मेरा नाम प्रीति नेगी है, मैं पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से हूँ। मेरा नाम शालिनी है, I am फ्रॉम UP इन बरेली। मेरा नाम जयश्री अग्रवाल है, मैं गुजरात सूरत से हूँ और I am फ्रॉम 12th। मेरा नाम सौम्या चहार है, मैं आगरा की रहने वाली हूँ, UP से। मेरा नाम साक्षी अवल है, मैं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं नीट टारगेट कोर्स में हूँ। मेरा नाम सिमरन कौर है और मैं पंजाब से हूँ, डिस्ट्रिक्ट श्री मुक्तसर साहिब, और मैं नीट टारगेट 2023 बैच में हूँ। मेरा नाम हिमांशी अग्रवाल है, मैं गुजरात से सूरत से रहने वाली हूँ। मेरा नाम आरोही जायसवाल है, मैं मध्य प्रदेश बड़वानी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा नाम पूजा मीना है, मैं दिल्ली से हूँ, नीट टारगेट के बैच में हूँ, मैं हॉस्टल ले रही हूँ। मेरा नाम वैशाली कुमार मैं पुणे डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से हूँ और मैं टारगेट बैच में हूँ। मेरा नाम किरण पटेल है और मैं UP में डिस्ट्रिक्ट बरेली से हूँ और मैं नीट टारगेट बैच में हूँ। मेरा नाम मनीषा राजपूत है, मैं UP से मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा नाम अंजलि यादव है, मैं टीकमगढ़ से हूँ और MP में टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा नाम साक्षी जायसवाल है, मैं उत्तर प्रदेश देवरिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा नाम विजय तोमर है, मैं UP के मेरठ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा नाम आस्था यादव है, फ्रॉम लखनऊ UP, मैं टारगेट फेज 7 बैच से हूँ और मैं मकड़ीनाथ CLC के मकड़ीनाथ हॉस्टल में स्टे कर रही हूँ। मेरा नाम नूतन है, मैं UP के डिस्ट्रिक्ट मथुरा से हूँ। मेरा नाम नेहा है, मैं UP डिस्ट्रिक्ट इटावा से हूँ और मैं नीट 2024 बैच 12th फाउंडेशन से हूँ। थैंक यू। मेरा नाम निका सिद्दीकी है और मैं UP बरेली से हूँ, डिस्ट्रिक्ट बरेली से। मेरा नाम सुहानी चौहान है, मैं UP में जौनपुर से हूँ और मैं 2-in-1 नीट के एस्पिरेंट। मेरा नाम रंगोली राज श्रीवास्तव है, मैं बिहार में मुजफ्फरपुर से हूँ। मेरा नाम शिवानी है, मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से हूँ। मेरा नाम अथर्वा सिंह है, मैं मध्य प्रदेश शहडोल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा नाम इप्सिता है और मैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा नाम भावना है, मैं मथुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश से हूँ। मुझे विश्वास है कि CLC से मेरा नीट में सिलेक्शन जरूर होगा। मेरा नाम ज्ञानेश्वरी महादेव अम्बूरे हूँ, मैं महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा नाम ऋतु सिंह है, मैं UP के डिस्ट्रिक्ट बंसल से हूँ। मेरा नाम राधिका अग्रवाल है, मैं UP में मथुरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा नाम संगीता शर्मा है, मैं बिहार से हूँ, जम्मू डिस्ट्रिक्ट से। मेरा नाम विशाखा पाल है और मैं एटा उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा नाम सुरभि है, मैं UP से हूँ, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट से हूँ, CLC हॉस्टल में रहती हूँ। मेरा नाम सौम्या साक्य है, मैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट औरैया। मेरा नाम अलीशा मंसूरी है, मैं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से हूँ। मेरा नाम गौतमी नायर है, मैं केरला के पालाकाड डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा नाम प्राची भाटी है, मैं UP के गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आई एम अमीशा वरू फ्रॉम आसाम, बक्सा डिस्ट्रिक्ट। आई स्टे इन हॉस्टल Inside the campus. I came here for the NEET target course. मेरा नाम मुन्मी बोरा है, मैं आसाम के धेमाजी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा नाम ईशिका माझी है, मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से 11 फाउंडेशन। मेरा नाम दीक्षा सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश एटा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं गौतमी नायर हूँ, केरला के पालाकाड डिस्ट्रिक्ट से। मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि मैं साउथ से यहाँ नॉर्थ तक आई हूँ और मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट देखे अपने वहाँ भी, बट मैंने ये पहला इंस्टीट्यूट देखा है जहाँ यहाँ का बॉस 12 बजे तक बैठ के बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं वो सब कुछ देखता है वो। एंड आई एम सीरियसली वेरी प्राउड कि मैं इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रही हूँ। और एक बात बोलना चाहूँगी, मैं जब भी डिप्रेस हो जाती थी, मैं सितंबर में यहाँ आई थी, उसके बाद मैं एक भी बार घर नहीं गई हूँ। और मैं बोलना चाहूँगी मैं इतनी बार डिप्रेस हो गई हूँ, पर हर बार पता नहीं कैसे उसी दिन बॉस एक फंक्शन रख देंगे और उस फंक्शन में जो मोटिवेट करते ना वो, सीरियसली मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। मेरे को ऐसा लगता है अब तो डॉक्टर बन के ही निकलना है यहाँ से। थैंक यू सो मच बॉस। थैंक यू पुत्र, आपके विश्वास पे खरी उतरी अपने CLC। इस बेटे ने एक बात कही है कि हमारा बॉस हमें, मुझे बच्चे बोसी करते हैं प्यार से,
हमारा बॉस जगता 12 बजे तक। मैं बहुत साफ कहता हूं, मैं आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं केवल आपके पिता, आपकी माता, आपके मम्मी पापा बोलते हैं, मम्मी पापा का विश्वास जो है ना उस पे खरा उतर उसी पर काम करता हूं। आप सीकर में सीएलसी के लिए आए हैं, सीएलसी के पास आए, अपने बॉस के पास आए, इससे मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं आपकी केयर करूं। और आप जितने बच्चे बैठे हैं, एक बार आंख बंद करके दिल पे आते पूछेंगे ना पढ़ाई, तो मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं कि कोचिंग में जाओगे, टीचर होते हैं, ये एनसीईआरटी से पढ़ाया जाता है, हमको अलग से घोल के नहीं पिला सकते, लेकिन उसको तरीका, एक व्यवस्था और सेशन एंड तो इस बार जो हो रहा है वो सीएलसी के 28 साल के इतिहास का सबसे प्यारा हो रहा है। आज तक इतना अच्छी लैंडिंग, ये कहेंगे लैंडिंग है ना, जहाज की लैंडिंग टेको, लैंडिंग जो है बहुत अच्छी हो रही है। और मैं उन लोगों में नहीं हूं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो तो बाहर बना रहता है, अंत वाला सब लास्ट दिन तक आपको हमारे प्रति यदि मान सम्मान पिता का सा रहता है, इसका मतलब काम हमने किया है। आप सबको मेरी शुभकामनाएं हैं, आप अच्छा करें, बहुत अच्छा करें। और जिंदगी में मैं फिर से कहता हूं, सब डॉक्टर नहीं बनते हैं, सब आईटी नहीं बनते हैं, जिंदगी इसके साथ खत्म नहीं होती है, ना तो जिंदगी इससे पूर्ण होती है। आप डॉक्टर बनते तो जिंदगी पूर्ण नहीं है कोई, जिंदगी पूर्ण होती है आपकी सोच से, आपके विचार से, जिंदगी पूर्ण होती है आपके परिवार की बॉन्डिंग से, जिंदगी पूर्ण होती है आपके अपनों संतुष्टि से। मुझसे अगर पूछे कि मेरी जिंदगी पूर्ण है, मैं कहता पूर्ण जिंदगी है, कि मेरे बूढ़े माता पिता मुझसे खुश है, मेरी धर्मपत्नी मुझसे खुश है, मेरे बेटे मुझसे खुश है, मेरी बहनें मुझसे खुश है, मेरे पत्नी दोस्त मुझसे खुश है, इसलिए मुझे लगता है हम कुछ लाइफ में किया। तो जिंदगी में अपनों को खुश रखो, बचपन के दोस्तों को खुश रखो, आप सफल है यही पैमाना है। आप डॉक्टर बन के खुश करें, आइटम खुश करें, चाहे मैं कहता हूँ खेती करके खुश रखें ना, अल्टीमेट आदमी कमाता किस लिए, खुशी के लिए। अपने दे देते कई बार कि यार आदमी पैसा बहुत कमाए अपने घर में अशांति होती है ना, तो कहते भाई कम कमा ले यार लेकिन शांति से रहो। अपन नहीं कहते भाई चाहे घर में रूखी खा लो बट शांति से खाओ। आप चांदी की थाली में खाना खा रहे हैं बट चिक चिक खा रहे हैं, मजा आएगा उसमें? इससे अच्छा तो आप जमीन पे बैठ के खाना खाएं बट प्यार से खा रहे हैं तो ज्यादा सफल है। बहुत गहरी बात कह रहा हूँ, जिंदगी पैसा, पैसे के बिना जिंदगी मुश्किल है मैं मानता हूँ, बट केवल पैसे से खुशियां नहीं आती है, पैसा भी होना चाहिए आपके पास, मान सम्मान भी हो, ये भी सही है कि भूखे बचना हो गोपाला पकड़ तेरे कंठे माला, लेकिन पैसे से खुशियां आती तो बेटा जी कुछ लोग हजारों हजारों करोड़ के मालिक स्वेड भी कर लेते हैं, हजारों हजारों करोड़ के घरों में डाइवर्स हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, बाप बेटे मन बन रहती है, बेटे बाप से नहीं बोलते हैं, बाप बेटे से नहीं बोलते हैं घरों में, तो वो पैसा किस काम का है? तो आप ईमानदारी से अपना वर्क भी करें, दो रुपए भी कमाएं, पैसा भी कमाएं, लेकिन अपने जड़ों को ना भूलें। एक बात मैं बात मत करता हूं, हम नहीं कहते आप आसमान मत छू, हम नहीं कहते कि आप आसमान मत छू पर जमीन मत छोड़ो, आप जमीन पे पांव रख के आसमान छू, नहीं तो कटी पतंग बन जाता। पतंग तब तक इटलाती है जब तक डोर किसी के हाथ में होती है, और डोर टूटने के बाद वो कटी पतंग है जिसकी कीमत मात्र 10 पैसे होती है। इसलिए आप अपने परिवार के साथ जब तक बंधे रहोगे डोर से, आप आसमान लूटते रहोगे, ऊंचाई छूते रहोगे, जब डोर कट गई बेटा जी कोई नहीं पूछता है। वो कहते ना झाड़ू जब समूह में होती है तो कचरा साफ कर देती है, और झाड़ू का सम खोल दो उसकी रस्सी तो खुद है। हाँ तो दोस्तों अब आपको ले चलता हूँ हमारे बॉयज के कैंप में। राजस्थान हरियाणा तो आप जानते हो कि राजस्थान तो स्टेट हमारा है ही है, हरियाणा राजस्थान स्टेट के तो बच्चे एक बड़ी संख्या में सेल से आते हैं। अब हम आपको राजस्थान हरियाणा के अलावा अदर स्टेट के बच्चों से मुलाकात करते हैं। हाँ जी नमस्ते सर, मैं यूपी से, यूपी में इटावा से, मैं सैपे हवाई पट्टी मेरा गांव पड़ता है, मेरे को एक साल हो गया यहाँ पे, मैं एड प्री फाउंडेशन में आया हूँ। मेरा नाम सचिन गुर्जर, मैं मुरैना मध्य प्रदेश से हूँ, मुझे 2 साल हो गए सीएलसी में, टारगेट स्टूडेंट हूँ। मैं राहुल कुमार गुप्ता, मैं झारखंड से हूँ, पलामू डिस्ट्रिक्ट, और मैं 2 साल से यहाँ पे सीएलसी में पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा नाम शुभम पटेल है, मैं बरेली उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं क्लास 9th में पढ़ता हूँ, मैं न्यू सेक्शन में आया हूँ। मेरा नाम कृष्ण कुमार गौतम है, मैं मथुरा यूपी से आया हूँ, मेरा न्यू एडमिशन हुआ है सीएलसी में 11th फाउंडेशन। मैं जयेश अमानी, नीमच मध्य प्रदेश से, मैं न्यू हूँ। मैं आम्बर मुगल, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से, मेरा न्यू एडमिशन हुआ है सीएलसी टारगेट बैच। मेरा नाम यश त्रिपाठी है, मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ, मेरा भी न्यू एडमिशन है।
मेरा नाम मोहम्मद अनीस अहमद है, मैं एटा उत्तर प्रदेश से नीट टारगेट 2024 के लिए आया हूँ। मेरा नाम कार्तिक शर्मा है, मैं 2 साल से सीएलसी में पढ़ रहा हूँ, 11th 12th यहीं से की है और मैं मेदक डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से हूँ। मेरा नाम आदित्य मनास है, मैं यहाँ पे 11th फाउंडेशन से हूँ, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, डोडा डिस्ट्रिक्ट। मेरा नाम कार्तिक सिंह है, मैं यूपी के रायबरेली डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। माय नेम इज जनकेश सिंह, आई एम फ्रॉम यूपी गोरखपुर। माय नेम इज आदर्श, आई एम फ्रॉम यूपी कानपुर। आयुष सिंह, क्लास 12th एंड ए, मैं गया बिहार से हूँ, मुझे सेल्सी में 2 साल हो गए हैं। मेरा नाम निखिल है, मैं दिल्ली से हूँ, मैं अब 11th में आया था। माय नेम इज लकी एंड आई एम फ्रॉम फरुखाबाद यूपी, बेसिकली आई केम हियर टू स्टडी नीट। मेरा नाम रुपेश है, मैं सिवान बिहार से हूँ और मेरे को सेल्सी में 1 साल हो गया। मेरा नाम प्रेम कृष्णा है और मैं सुपौल बिहार से आया हूँ, मुझे सेल्सी में 1 वर्ष हो गया। मेरा नाम महेश विक्रम सिंह है, मैं बिहार सिवान से आया हूँ। मेरा नाम सत्यम कुमार शर्मा है, मैं डिस्ट्रिक्ट सिवान स्टेट बिहार से हूँ और मैं 12th बायो का छात्र हूँ। माय नेम इज मोनू मीणा, मैं मुरैना मध्य प्रदेश से हूँ, मैं इसी साल नीट टारगेट में आया हूँ। मैं देवश जयसवाल, उत्तर प्रदेश से डिस्ट्रिक्ट बरेली और 9th क्लास में प्री फाउंडेशन से इसी साल आया। मेरा नाम सचिन कुमार, मैं अमृतसर पंजाब से और मैं 1 साल हो गया इधर सीएलसी। मेरा नाम अभिजीत कुमार है, मैं बिहार में भागलपुर जिले का रहने वाला हूँ, मैं टारगेट का स्टूडेंट हूँ, मुझे यहाँ आए हुए 1 साल हो गया। मेरा नाम आर्यन है, मैं यूपी से आया हूँ, मैं 9th में अभी एडमिशन हूँ। Myself Tanish Chaudhary, I am from UP Mathura and I am from 11th foundation. My name is Bhaskar Kumar Das and I am from West Bengal, from Malda Zila, and it has been 1 year since I am in CLC and my class is 9th P foundation. My name is Aditya Kumar from class 9th P foundation. I have come from Bihar and it will take 1 year. I am staying here. Mera naam Rishi Yadav hai, main Banaras UP se aaya hu, mera yahan pe 11th class mein new admission hai. मेरा नाम अनुज लालवानी है, मैं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से आया हूँ और मेरे को यहाँ पर पढ़ते हुए 1 साल हो गया। मेरा नाम सौरभ प्रताप सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश का देवरिया जिले का रहने वाला हूँ और मैं अभी 12th फाउंडेशन में हूँ, मुझे सीएलसी आई 1 साल हो गए। मेरा नाम शीतल प्रसाद है, मैं आगरा डिस्ट्रिक्ट से यूपी से रहने वाला हूँ। मेरा नाम कृष्णा गुप्ता है, मैं यूपी आगरा का रहने वाला हूँ और मेरा सीएलसी में पढ़ने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मेरा नाम प्रथमेश कैलाश तनावड़े है, मैं महाराष्ट्र से अहमदनगर से हूँ। मेरा नाम कोलगे सागर तुकाराम है, मैं महाराष्ट्र से सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा नाम सावन कुमार है, मैं यूपी से जिला सहारनपुर का रहने वाला हूँ, मैं 11th क्लास का न्यू स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम अंश गुलेरिया है, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मैं अभी कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। माई सेल्फ रमन कुमार, स्टेट यूपी डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद संकिसा, मैं नीट टारगेट का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम आयुष रतन है, मैं डिस्ट्रिक्ट एटा के उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैं नीट टारगेट का छात्र हूँ। मेरा नाम हैप्पी यादव है और मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ पिछले 1 सालों से नीट की तैयारी कर रहा हूँ और इस कैंप बहुत अच्छा है सीएलसी का। मेरा नाम आशीष निगम, मैं रोहिणी दिल्ली से आया हूँ। मेरा नाम कुणाल है, मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ जम्मू कश्मीर से आया हूँ और 12th फाउंडेशन में हूँ, 1 साल हो गया सीएलसी में। हाँ तो दोस्तों, ये हमारे हॉस्टल के राजस्थान हरियाणा के अदर स्टेट के कुछ बच्चे हैं, ऐसे रात को बैठे थे, इच्छा होगी कि जब इतने सारे स्टेट्स के बच्चे, यूपी के, बिहार के, मध्य प्रदेश के, पंजाब के, केरल के, आंध्रा के बेटे बेटियां यहाँ पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना इस खुशबू को दूर तक पहुंचाया जाए। ये जिस जहां मैं खड़ा हूँ, हमारा क्लासरूम है, बच्चों को दिखाया कैमरामैन, ये हमारा कंप्लीट क्लासरूम है, बिल्कुल एक एयरपोर्ट क्लासरूम है, एसी लगी हुई है, बच्चा आराम से इसमें अपनी स्टडी करता है। प्रॉपरली बोर्ड को भी दिखाया जाए, क्लास में मोटिवेशन के लिए बच्चों के लिए हमारे जो नीट के टॉपर्स रहे हैं, जेई के टॉपर्स रहे हैं, जो बच्चा नौ बच्चा दिल्ली एम्स गैप 4 साल में, ये सब चीजें इससे लगाई जाती हैं कि बच्चा इनको देख के प्रेरित हो। और बोर्ड पे लिखा होता सामने, सीएलसी जीतना सिखाती है, सीएलसी जीना सिखाती है, कि जो जीत गया उसको जिनाना बहुत जरूरी है, निश्चित बात है, जो जीना आ गया वो अपने आप जीत गया। बच्चों एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आप आईटी के लिए हैं, मेडिकल के लिए हैं, एनडीए के लिए हैं, ये प्रयास कर रहे हैं, आप अपना अधिकतम प्रयास करें, उसके बाद भी सफलता नहीं मिलती है इन कॉम्पिटिशन में, तो ये जिंदगी का अंतिम एग्जाम नहीं। मैं एक बात कहता हूं, कोई भी मैच लाइफ का आखिरी मैच नहीं होता है, कोई भी एग्जाम जिंदगी आखिरी एग्जाम नहीं होती है। सचिन विराट कभी 0 पे आउट हो जाए तो खेलना छोड़ देंगे क्या वो? क्या सचिन 0 पे आउट नहीं हुए? क्या विराट 0 पे आउट नहीं हुए? आप क्रिकेट जानते हैं, पिछले 2 साल विराट कोहली की बड़ी खराब परफॉर्मेंस चली, लोगों ने उस पर कमेंट्स करना शुरू कर दिया, तो बंदा थोड़ा विचलित हुआ, फिर लगा फिर फोरम में आ गया, दुनिया फिर ताली बजाती है। दुनिया का काम केवल घटित घटनाओं पे ध्यान सुन दो रहे, दुनिया का काम केवल घटित घटनाओं पे ज्ञान देना है। आप पूरा करोगे आपके खिलाफ बोलना शुरू हो जाएंगे, अच्छा करोगे आपकी ताली बजाना स्टार्ट हो जाएगी, उनको कोई मतलब नहीं आपसे।
आपकी व्यक्तिगत लाइफ से कोई मतलब नहीं है। हर वक्त सफल कोई नहीं होता है, हमेशा पूर्णिमा नहीं होती, अमावस्या भी आती है, 24 घंटे दिन नहीं रह सकता, रात भी आती है। जिंदगी में अप्स भी आएंगे, डाउन्स भी आएंगे, लेकिन जो आदमी हर परिस्थिति में, हर काल में, हर खंड में, हर हालात में, हर परिस्थिति में अपने आप को मजबूत रखता है, वो आगे बढ़ता है। क्या जिंदगी हमारे प्रस्ताव नहीं आए क्या, क्या हमारे प्रॉब्लम्स नहीं आती है क्या, पर हमारी ड्यूटी बनती है हर वक्त हम आपके सामने हंसता उतरा लेके आए, ताकि आपको लगे कि जिन लोगों के पास, जिस व्यक्ति के पास मेरे भेजा पेरेंट्स ने, वो व्यक्ति मेरे लिए हंसता है, मेरे लिए खुश है। और बच्चों मैं एक ही बात कहूंगा, अपने दिल का करके पूछ सकते हैं, जो बच्चे 12 महीने से है, या एक एक चीज, एक एक कमिटमेंट जो हमने आपसे किया पूरा होता है, चाहे क्लास का हो, चाहे टेस्ट का हो, चाहे सिक्स पैक का हो, चाहे स्टडी मटेरियल का हो, चाहे प्री फाउंडेशन का, चाहे एनडीए का, चाहे टारगेट का, नीट हो या जेई हो, सब पे काम किया जाता है। आज ये वीडियो शूट इसलिए किया जा रहा है ताकि कुछ बच्चे, कुछ बच्चों की दादी जो होती है ना हमारे, नहीं 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 सीकर बहुत दूर है, कहाँ भेजेंगे, तो इस वीडियो को कोई बच्चा या उसके पापा मम्मी देख रहे हैं और घर में दादा दादी अधिक लाड के कारण आपको बाहर नहीं भेज रहे, ये वीडियो दिखा दो। और मैं घर में दादा दादी दादा नानी को प्रणाम करना चाहूंगा, देखो बच्चे पूरी इंडिया से पढ़ने आते हैं, आप भी अपने जिगर के टुकड़ों को हमें सौंप सकते हो, जैसा लाड प्यार आप करोगे वो लाड प्यार में हम दे देंगे, और एक्स्ट्रा इसको पढ़ाई भी करवा देंगे। आप लाड प्यार दे पाओगे पर से वो पढ़ाई नहीं दे पाओगे। आप सुविधा दे सकते हो, आप साधन दे सकते हो, आप सफलता नहीं दे सकते। तो डियर एक बात आपसे करनी थी, तो आज का कैंप है, रात का समय है 11:30 बजे ये वीडियो शूट हो रहा है, और ये बच्चे आप जानते हो 7 मई और 4 जून को नीट और जेई 2023 के एग्जाम है। आज हमारा बच्चा सुबह 7 से 1, दोपहर में 2 से 7, रात को 8 से 12 यहाँ बैठ के पढ़ता है, सो हम कैंप कहते हैं दोस्तों, इसका लाइव अक्सर आप लोग देखते रहते हैं। ओके नमस्कार, जय सिंह।